हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल? आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर जो भी एडवेंचर गेम खेलते हैं वो सब खुश हो जाओ, क्योंकि 2022 में इतनी खतरनाक खतरनाक गेम आने वाले हैं। सबकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन लेकिन गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जाओ पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट है, कुछ भी अपडेट हो, फ्री फायर के रिडीम कोड हो, पबजी से रिलेटेड हो या फिर कोई गेम से रिलेटेड हो, मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे देता हूँ। एंड उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो का जो फर्स्ट नंबर पे हमारा गेम है उसका नाम है द साइकिल फ्रंटायर। पहले आप इसका ट्रेलर देखो, फिर मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन या फिर अदर इन्फॉर्मेशन। तो गाइज, आप लोग बताओ कि आपको ये वाला ट्रेलर कैसा लगा। ये गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो इस गेम का नाम है द साइकिल फ्रंटायर। ये आपको एपिक गेम्स पे मिल जाएगा। एंड ये देख सकते हो, ये कमिंग सून लिख के आ रहा है, बहुत ही जल्दी 2022 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं तो ये गेम खेलने वाला हूँ, इसको मैं विश लिस्ट में अपने ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आएगा तो मैं आपको वीडियो तो बता ही दूंगा। आप भी अगर करना चाहो तो कर लो, मैं अभी आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। जो इसका डेवलपर है वो है यागेर, एंड इसका जो पब्लिशर है वो भी यागेर ही है। एंड देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अवेलेबल है 2022 तो, और प्लेटफॉर्म है ये विंडोज़, तो विंडोज़ पे यहाँ पे अवेलेबल हो रहेगा सबके लिए। तो 2022 है ना, मतलब हैप्पी न्यू ईयर स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का मेरे को गेम लग रहा है, पूरा एडवेंचर टाइप का है। इसका जो बीटा वर्जन है वो 30 सितंबर से 1 नवंबर तक चला था, अगर आपने नहीं खेला तो। इसलिए बोलता हूँ गाइस, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो, ये एक मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है। एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये विंडोज़ में चलने वाला है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 पे चलेगा। एंड 64 बिट का आपका लैपटॉप होना चाहिए, तो मेरा तो है, तो मैं इसको आराम से खेलने वाला हूँ। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे कोर i7 2.8 GHz है। अब यहाँ पे रिकमेंडेड है इतना, लेकिन मिनिमम पे भी आपका चल जाएगा। अगर i5 भी है तो आपका चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड है 1.1 कोर i7। लेफ्ट साइड में जो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिलेगा, लेकिन रिकमेंडेड है वो इतना राइट साइड में है। तो आप यहाँ पे देख लो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे। एंड ये हर एक लैंग्वेज में, इंग्लिश फ्रेंच सब में अवेलेबल है। सो आज के मेन्यू में दूसरे गेम का नाम है रिप्लेस्ड। ओ भाई साहब, मतलब गाइस देखो, ये गेम कितना खतरनाक था। इसमें आपको एक हॉन्टेड मिलने वाला है, मतलब जैसा कि हेलोवीन में होता है, आपको एक भूतिया भूत बनाया जाएगा शायद से। तो ये भी गेम बहुत कमाल का होने वाला है। इस गेम का नाम है रिप्लेस्ड, ये भी आपको एपिक गेम्स पे मिल जाएगा। एंड ये अभी बहुत जल्दी आने वाला है, कमिंग सून देख सकते हो। इसको भी मैंने अपने विशलिस्ट में ऐड कर लिया। एंड इसके जो कुछ पिक्चर्स आप देख लो, इसका जो डेवलपर है, डेवलपर का नाम है सैड कैट स्टूडियो। एंड इसका जो पब्लिशर है वो है कोड सिंक। एंड बहुत ही जल्दी ये आने वाला है, मे बी ये जनवरी 2022 तक आ जाए। तो गाइस देख सकते हो, ये आप विंडोज़ के लिए अवेलेबल होने वाला है। एंड यहाँ पे आप विंडो पे इसको खेल सकते हो। तो देखते हैं इसके पीसी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अभी कुछ बताया नहीं गया कि सिंगल प्लेयर होगा या मल्टीप्लेयर। मुझे तो लगता है ये सिंगल प्लेयर होने वाला है, ऑफलाइन गेम हो सकता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन TBD है, मतलब अभी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया। ये टू बी डिटरमाइंड है, ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एंड जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के मेन्यू में हमारा जो तीसरा गेम है वो है नॉर प्ले विथ योर फूड।
ओके गाइस, तो ये वाला गेम देखा आपने, यहाँ पे आप खाना बना सकते हो। मतलब अगर आपके घर पे कुछ भी हो, अगर आप खाना घर पे नहीं बनाते हो एंड खाना बनाना सीखना चाहते हो, एक गेमिंग पर्पज़ के तरफ से भी आप खेल के यहाँ पे सीख सकते हो। आप मतलब आपको किचन में बनाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ भी बना सकते हो एंड यहाँ पे भी आप मतलब उसका अलग ही मज़ा ले सकते हैं यार गाइस। तो इस गेम का नाम है नॉर, आपका ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। यहाँ पे इसके कुछ फ़ोटोज़ देख लो। ओ भाई बर्गर गाइस, पहले बताओ आपको किस किस को पानी आ रहा है मुंह में। आइसक्रीम भाई देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब बना सकते हो आप लोग यहाँ पे। जो भी गेम से मतलब खाने से रिलेटेड है, जो खाने के शौकीन है वो यहाँ पे कर सकता है। तो इसके मैं आपको बता दूँ कि इसके कब तक आएगा, ये समर में ही आने वाला था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, ये 2022 के जल्दी ही देखने को मिल। तो बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे विस्टा सबसे लो पीसी में भी चल जाएगा, 2 GB रैम में भी, एंड इसका भी जो है OS अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। तो गाइज आज का जो हमारे मेन्यू का जो चौथा गेम है वो है आर्म्ड वारफेयर। ओ भाई साहब, मतलब गाइस मैंने आज तक ऐसा गेम नहीं खेला यार कभी। मतलब गाइस क्या बताऊँ, इसका गेम का नाम है आर्म्ड वॉरफेयर। सबसे खतरनाक गेम मेरे को लगा अभी तक का, ये मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर दोनों ही होने वाला है। और ये गेम तो मैं ज़रूर से खेलूंगा, इसको मैंने अपने विशलिस्ट में ऐड कर लिया है फटाफट से। तो गाइस ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब ये वाला गेम खेलने के बाद एकदम से लद्दाख या फिर कारगिल का याद आ जाएगा गाइस। मतलब क्या बोलूँ, पाकिस्तान वालों को तो धोना ही पड़ेगा दोबारा से। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ 7, 8, 10 यहाँ पे 64 बिट पे यहाँ पे ये चलने वाला है। अगर आपका है तो जल्द मतलब आपको खुशी की बात है। एंड यहाँ पे 4 GB रैम मिनिमम चाहिए, सब आप देख लो। तो आज मेन्यू में जो लास्ट गेम है वो उसका नाम है प्रीडिसेसर, तो आप इसको भी देख लो। ये भी इतना खास नहीं है, इसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी आने वाला, तो मैं आपको सोचा कि ये भी बता दूँ। ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आएगा तो मैं इसके भी, अगर इसका वीडियो कोई आता है तो मैं आपको इसके भी अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, और वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर देना। एंड आप लोग कमेंट जरूर से बताना कि आपको सबसे बढ़िया इसमें गेम कौन सा लगा, आप कौन सा खेलने वाले हो, कौन सा नहीं खेलने वाले हो, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो ये मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है एंड बहुत ही जल्दी ये आपको विंडोज़ पे देखने को मिलेगा। एंड इसके बात करते हैं पीसी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये भी आपको विंडोज़ 7 में देखने को मिल जाएगा। विंडोज़ 7, 8, 10 कुछ भी हो चलेगा। एंड मिनिमम जो है आपको मेमोरी चाहिए 4 GB की, एंड जो रिकमेंडेड है वो 6 GB, स्टोरेज 30 GB की चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, बहुत ही कमाल का ये गेम होने वाला है। इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको सबसे पहले अपने वीडियो में दे दूंगा। तो गाइस आप लोग कमेंट में जरूर से बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।